नमस्कार, शाम के 7 बजने को है देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर वन शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। लखीमपुर की गलियां अभी भी गर्दिश में है। 3 अक्टूबर को जो हिंसा हुई उसकी छोटी छोटी वीडियोस आने लगे हैं। ये ऐसे वीडियो हैं जो दहला देने वाले हैं, जो क्रूरता की सारी सीमाओं को पार कर जाने वाले हैं। कहीं किसी ने किसानों पर कार चढ़ा दी तो कहीं कुछ लोगों ने किसी को पीट पीट कर मार डाला। कहीं आगजनी, कहीं नारेबाजी। इन सारी तस्वीरों को देखने के बाद यह अंदाजा लगाना बहुत सरल है कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर धधक उठा था। लखीमपुर के ही चेहरे पर छींटा गया था लखीमपुर का लहू। उस रोज कितना भयानक मंजर था, आप भी देखिए दृश्य। ये तस्वीरें अमानवीय हैं, बर्बर हैं, क्रूरता से भरी हुई हैं। लखीमपुर का ये पहला वीडियो सामने आया है। एक काले रंग की एसयूवी कार किसानों को कुचलते हुए आगे बढ़ रही है। वो किसानों को टक्कर मारती है, एक किसान बोनट पर गिरता है, कुछ सड़क पर, और कार उनके ऊपर से उन्हें कुचलते हुए निकल रही है, रौंदते हुए जा रही है। लखीमपुर कांड का ये सबसे भयानक वीडियो है। इस वीडियो में कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन ये वीडियो दहला देने वाला है। ये वीडियो संजय सिंह ने ट्वीट किया है। कल जो वीडियो सामने आया वो निश्चित रूप से हिंदुस्तान की आत्मा को हिलाने वाला वीडियो, वो निश्चित रूप से ये बताने वाला वीडियो है कि आजादी के 75 साल के बाद देश के अन्नदाताओं की कीमत सत्ता की निगाह में कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ। ये दूसरा वीडियो है, विचलित कर देने वाला। ये वीडियो 3 अक्टूबर का बताया जा रहा है। 10 सेकंड के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि जीप के पिछले पहिए के पास एक शख्स कराह रहा है और जीप से निकलकर एक युवक भाग रहा है। सड़क पर भी लोग दौड़ते नजर आ रहे हैं। 10 सेकंड का ये वीडियो शायद घटना के ठीक बाद का है। ये तीसरा वीडियो है, एक शख्स जमीन पर पड़ा है और कुछ लोग लाठी डंडे से उसे बेहिसाब पीट रहे हैं, एकदम मार डालने के इरादे से। ये वीडियो क्रूरता से भरा हुआ है। लखीमपुर कांड का ये सबसे वायरल वीडियो है। इस वीडियो में कुछ लोग एक शख्स को बेरहमी से जमीन पर गिराकर लाठी डंडों से मारते दिखाई देते हैं। बताया जाता है कि ये जो शख्स है वो उस गाड़ी का ड्राइवर है जिससे कुचलकर किसानों की मौत हो गई। ये भी बताया जाता है कि ये जो लोग उस ड्राइवर को मार रहे हैं वो किसान है, और इतनी बर्बरता से उसकी पिटाई की गई कि उसकी जान चली गई। ये चौथा वीडियो है, ये वीडियो गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा के गाड़ी के ड्राइवर का बताया जा रहा है। वीडियो में कुछ लोगों की आवाजें आ रही हैं जो पूछ रहे हैं कि क्या किसानों को मारने के लिए मंत्री अजय मिश्रा टेली ने भेजा था। लखीमपुर खीरी का एक और वायरल वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा टेनी के ड्राइवर का है। इस वीडियो में ड्राइवर से लोग पीछे से पूछ रहे हैं कि क्या उनको भीड़ में किसानों को मारने के लिए भेजा गया था, तो जिसमें ड्राइवर जवाब दे रहे हैं कि नहीं, उनको भेजा था अजय मिश्रा टेनी ने भीड़ को देखने के लिए। ये पांचवा वीडियो है, इस वीडियो में दिख रहा है कि किसानों ने एक कार को रोक रखा है और जमकर नारेबाजी की जा रही है। बताया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहे शख्स कार में बैठे पूर्व ब्लॉक प्रमुख पवन गुप्ता हैं। पवन गुप्ता सदर विधानसभा से चुनावी टिकट के दावेदार भी हैं। लखीमपुर हिंसा के छोटे छोटे वीडियो छन छन कर सामने आ रहे हैं। कहीं किसानों पर जुल्म की तस्वीरें हैं, कहीं किसानों का आक्रोश है, निशाने पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा हैं। मगर अजय मिश्रा खम ठोक कर कहते हैं कि अगर उनके बेटे की मौजूदगी के सबूत
कोई दिखा दे तो वो राजनीति छोड़ देंगे। क्यों पकड़ेगी पुलिस भाई, जब वो थे ही नहीं घटना स्थल पर, क्यों पकड़ेगी? पहले सबूत तो इकट्ठा करें। और वीडियोस में तो कुछ नजर आ रहा है कि वो हैं। नहीं है कोई एक भी वीडियो, अगर आप दिखा दें तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। आप एक भी वीडियो दिखा दें मेरे पुत्र की उपस्थिति का वहाँ, तो मैं मंत्री पद। साक्ष्य मिल गया कि वीडियो वो है वहाँ पे, अगर अरे मिलेगा ही नहीं, जब है ही नहीं कैसे मिलेगा यार। अकेले गृह राज्य मंत्री नहीं, पूरी यूपी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सरकार सवालों का जवाब देने के बजाय सवाल कर रही है कि ये वीडियो विपक्ष को मिल कैसे रहे हैं। मुझे लगता है कि इतने सारे वीडियो विजुअल्स आप लोगों ने दिखाए जो लगातार हम सब ने टीवी पर देखे हैं, तो आज आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को कहां से इस तरह के विजुअल मिल रहे हैं? इसका मतलब है कि ये षड्यंत्र रचना चाह रहे थे, आपदा में अवसर तराशने वाले लोग हैं। जिस तरह से कोरोना के दौरान उन्होंने किया, वैसे ही आज किसान भाइयों के मुद्दे पर ये अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। सामने आ रहे वीडियो बताते हैं कि जताने की भले ही कोशिश की जा रही हो, लेकिन लखीमपुर में आक्रोश की आग अभी ठंडी नहीं हुई है। इसके अलावा सामने आ रहे वीडियो अहम सबूत के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। ये वीडियो बताएंगे कि लखीमपुर में 8 लोगों की मौत कैसे हुई और उनका जिम्मेदार कौन है। सीतापुर से मौसमी सिंह, समर्थ श्रीवास्तव और अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, लखीमपुर में सियासी घमासान जारी है। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस ने सीतापुर में कैंडल मार्च निकाला है। प्रियंका गांधी करीब 35 घंटे पहले हिरासत में ली गई थी, जिसके बाद आज उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल उसी गेस्ट हाउस में वो रखी गई हैं, जहां पर उनको हिरासत के बाद ले जाया गया था। लेकिन सीतापुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। कैंडल मार्च की ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। लखीमपुर खीरी, प्रियंका गांधी को जाने दिया जाए, इसकी मांग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से की जा रही है। लगातार दूसरे दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएससी कैंपस के सामने कुछ इस तरह से अपना विरोध जाहिर किया। कल प्रियंका हिरासत में थी और आज प्रियंका गिरफ्तार है, पर कांग्रेस के यहाँ कैंडल मार्च जारी है। यहाँ पे आप देखिए कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं और आइए उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि क्यों कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं आप कैंडल मार्च? देखिए, ये शहीदों के लिए हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। जिस तरीके से किसान भाई हमारे शहीद हुए हैं, आज वो हमारा अन्नदाता, हमारा पेट भरता है, पर इस बात को हमारे देश के प्रधानमंत्री भी नहीं समझते। उनको तो चाहिए था, जब आज वो आए थे तो उनको उस घटना स्थल पर जाना चाहिए था। लगातार दूसरा दिन हो गया, आज हम लोग फिर जो हमारे किसान शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च हम लोग आज निकाल रहे हैं। जिस तरह से एक भाजपा सरकार बर्बरता दिखा रही है, हम हमारी प्रियंका दीदी को छोड़े और प्रियंका दीदी वहाँ उस परिवार से सहानुभूति पूर्वक से मिलना चाहती हैं। हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि किसी भी कैदी को 24 घंटे तक थाने में नहीं रखा जाता है, या कोई उसकी रिपोर्ट हो या उसे कोई मुकदमा लाद कर उसे जेल को भेजा जाता है, लेकिन अभी तक हमारे 48 घंटे हो गए, दीदी को मुझे रिहाई नहीं किया गया। यहाँ क्यों नहीं किया गया? यहाँ पे आप देखिए कांग्रेस का ये कैंडल मार्च चल रहा है और उनका ये कहना है कि यहाँ से वो टस से मस नहीं होंगे जब तक प्रियंका गांधी को यहाँ से रिहा नहीं किया जाएगा। कैमरा पर्सन पवन के साथ मौसमी सिंह, सीतापुर आज तक। उत्तर प्रदेश में राजनीति का नया अखाड़ा है लखीमपुर। लखीमपुर के नाम पर किसानों का हितैषी होने की होड़ लगी हुई है, क्योंकि लखीमपुर में 8 लोगों की मौत ने एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार को बैकफुट पर ला दिया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को फ्रंट पर निशाना साधने का शानदार मौका मुहैया करा दिया है। यही वजह है कि प्रियंका गांधी लगातार लखीमपुर के मसले पर डटी हुई है, अड़ी हुई है। प्रियंका की गिरफ्तारी के बाद लखीमपुर के मसले पर कांग्रेस की सियासत और धारदार हो गई है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर, बगैर एफआईआर के रखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये आदमी आजाद क्यों है। लखीमपुर खीरी को खौला देने वाली हिंसा की हर तस्वीर सियासी ताप बढ़ाती जा रही है। हिंसा के नए नए वीडियो सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं।
और इन्हीं सवालों के बीच पनप रही हैं सियासत की तमाम संभावनाएं, जिसके केंद्र में आ गई हैं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, जो लखीमपुर हिंसा के विचलित कर देने वाले वीडियो के जरिए सीधे पीएम मोदी से सवाल कर रही हैं। मोदी जी नमस्कार, मैंने सुना है कि आज आजादी का अमृत उत्सव मनाने के लिए आप लखनऊ आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये वीडियो देखा है? ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। हिंसा की घटना के बाद प्रियंका गांधी लखीमपुर पहुंचकर किसानों से मिलना चाहती थी। पहले पुलिस ने उन्हें सीतापुर के बिसवा में हिरासत में लिया और करीब 28 घंटे की हिरासत के बाद FIR दर्ज कर प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी दिखा दी। प्रियंका गांधी पर पुलिस ने धारा 151 और 107 के तहत केस दर्ज किया है। सीतापुर PAC के जिस गेस्ट हाउस में प्रियंका समेत बाकी कांग्रेस नेताओं को रखा गया है, उसे ही अब अस्थायी जेल बना दिया गया है। ये भीतर आप देखिए, PAC कैंपस के भीतर काफी लंबा रास्ता है, बड़ा लॉन है और प्रियंका को रखा गया है एक अलग कमरे में। दूसरे कमरे में धीरज गुर्जर, दीपेंद्र हुड्डा और अजय लल्लू, तीन चार नेता और मौजूद हैं। और लगातार SDM DM ने मनाया भी, कल कहा प्रियंका को कि आप वापस लखनऊ चले जाइए, पर बहरहाल मामला संवेदनशील है। प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने के बाद से ही कांग्रेसी कार्यकर्ता गेस्ट हाउस के बाहर धरने पर बैठे हैं। अब उनकी गिरफ्तारी की खबर ने कार्यकर्ताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। यहाँ पे इसी तरह से धरने पर बैठे हुए हैं, पुलिस की भी तैनाती आप उस तरफ देख सकते हैं और लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि वो हथियारी भाजपा सरकार करे कृषक पर अत्याचार, इसके खिलाफ धरने पर है। कब तक आप लोग बैठे रहेंगे? जब तक प्रियंका दीदी को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग यही धरने पर बैठे रहेंगे। गेस्ट हाउस के बाहर जमा कांग्रेसी वहीं पर टेंट और तंबू गाड़ने पर अड़ गए तो पुलिस से झड़प तक की नौबत आ गई। गेस्ट के बाहर संग्राम छिड़ा हुआ है। उधर प्रियंका सवाल कर रही हैं कि सरकार दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर, बगैर FIR के रखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये आदमी आजाद क्यों है। प्रियंका लगातार ये जताने की कोशिश में लगी हैं कि पीड़ितों से उनका सीधा सरोकार है और इस बहाने वो सरकार पर प्रहार कर रही हैं। लखीमपुर पर प्रियंका की सियासी लड़ाई ने सिर्फ UP नहीं देश की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। शिवसेना नेता संजय राउत ने राहुल से मुलाकात के बाद प्रियंका के साथ का भरोसा दिया तो BJP ने प्रियंका पर सवाल उठा दिए। मैं मानता हूं कि आप पंडित नेहरू से नफरत करते हो, आप इंदिरा जी से नफरत करते हो, आप राजीव गांधी को नहीं मानते। ये तो होता है, इतना बड़ा काम ये लोगों ने किया फिर भी आप नहीं मानते। लेकिन एक महिला के साथ जो मिसहैंडलिंग हुआ है वहां, तो आपको इस देश को शर्म भी आनी चाहिए और दर्द भी होना चाहिए। आपने देखा प्रियंका जी वहाँ क्या करती दिखाई दी हैं? अभी भी वहीं पे मौजूद हैं। मैंने कहा ना कि उनको सड़क पर ही छोड़ दिया है प्रदेश की जनता ने, तो सड़क पर ही रहना है उनको। अब उन्हें कभी आना ही नहीं है क्योंकि उन्होंने ही लूटा था। ये उन्हीं कांग्रेस के किए गए कृत और समाजवादी पार्टी के द्वारा किए गए कृत। आपने देखा था कल किस तरह से आगजनी करना शुरू कर दी थी विपक्ष ने। तो ये तो कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि कोई अप्रिय घटना घट जाए उत्तर प्रदेश के अंदर और इनकी राजनीतिक रोटी सिक जाए। लखीमपुर की घटना पर प्रियंका गांधी के एक्शन ने तमाम राज्यों के कांग्रेसी नेताओं को भी एक्टिव कर दिया है। ये तस्वीरें लखनऊ एयरपोर्ट की हैं। जब भूपेश बघेल को लखनऊ में आने से रोका गया तो उन्होंने पहले प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए और फिर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो धरने पर बैठ गए। लखीमपुर की घटना और प्रियंका गांधी पर एक्शन के विरोध में पंजाब के CM चरणजीत सिंह चन्नी भी सड़कों पर उतर आए, गांधी भवन पहुंचकर सत्याग्रह वाला विरोध जताया। लखीमपुर में मारे गए लोगों का जिम्मेदार कौन, ये तो जांच का विषय है, लेकिन लखीमपुर के कांड ने जाहिर तौर पर कांग्रेस को निशाना साधने का शानदार मौका दिया है और यूपी के चुनावी माहौल में कांग्रेस इस मौके से चूकना नहीं चाहती। सीतापुर से मौसमी के साथ समर्थ श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
लखीमपुर हिंसा के कई वीडियो सामने आने के बाद इस पर सियासत गरमाई हुई है। इस बीच हमारे सहयोगी कुमार कुणाल ने किसान नेता राकेश टिकैत से बातचीत की और समझौते को लेकर उनसे कई सवाल पूछे। हमारे साथ राकेश टिकैत हैं। आज चार जो किसान हैं जिनकी मौत हुई है उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, उसमें से कई पे आप और जो उनके परिजन हैं वो संतुष्ट नहीं है, क्या है मामला? नहीं, एक पे है अभी कि जिसका गोली लगी है उस पे संतुष्ट नहीं है, और पे तो रिपोर्ट आती रहेगी। अभी यहाँ भी रिपोर्ट आएगी, वकील को हमने दिखाया है यहाँ पे, तो जो वैसे चोट थी वही उसमें चोट दिखाई और चोट से ही डेथ दिखाई, ये सारी चीजें हैं। अच्छा, जो कल पूरा समझौता हुआ प्रशासन के साथ, आप भी उसमें मौजूद थे, क्या लगता है क्या कि जो सारी चीजें थी जिस पर सवाल के जवाब मिलने चाहिए थे वो सारे जवाब मिले हैं? क्योंकि आज भी एक वीडियो आया है जिसमें साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि पीछे से कार ने टक्कर मारी है। वीडियो बहुत है, जैसे ही नेट चल जाएगा तो वीडियो अपलोड होगी सारी, उसमें से फिर छांटनी पड़ेगी, तो बहुत लोगों के पास में वीडियो है। वे अभी इसलिए नहीं आ रही कि नेट नहीं चल रहा, सबने देखा तो सब वहाँ देखने वाले थे, जिनका चोट लगी वे भी देखे, और परमानेंट ये तो कोई रहता नहीं कि वीडियो कोई बनाता रहे। वो एक बार से गाड़ी निकली और गाड़ी लोगों के ऊपर चढ़ी तो कुछ लोगों ने उस टाइम के चोट बड़े हैं तो वे उनके पास में है। अच्छा, जिनकी गाड़ी थी मंत्री साहब के बेटे की, हाँ, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है? हाँ, हुई नहीं। कई बार लोग कह रहे हैं कि जो आपने समझौता किया वो जल्दबाजी में किया? नहीं, हमने नहीं समझौता करा, समझौता कमेटी ने किया है और जो परिजन है उन्होंने सबने समझौता करा, हम भी साथ में ही थे। तो कहीं लगता है कि जो बात है कई सारी अभी भी फैक्ट निकल करके ना आने बाकी, कोई जल्दबाजी नहीं हुई, जो मौके पे करा गया है मौके की नजाकत को देखते हुए सब कमेटी ने यह फैसला लिया। आज भी यहाँ पे कमेटी ने फैसला लिया है कि बॉडी को हम कितनी देर तक रोक सकते हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें रहती है, रिश्तेदार रहते हैं, बाहर के लोग रहते हैं, और यहाँ की रिपोर्ट कंफर्म होगी कि चोट घसीटने से हुई तो दाह संस्कार हो गया है। जिनकी रिपोर्ट कंफर्म नहीं हुई उनके रोक रखे हैं अभी, अभी फिर बहराइच जा रहे हैं, उसका रिपोस्टमार्टम होगा, डॉक्टरों की टीम उसमें आएगी, कैसे उसका होगा अभी ये होगा तो फिर अगली कार्रवाई पर हम उसमें जा रहे हैं, अभी बहराइच जा रहे हैं, वहाँ बैठ कर सब बातचीत होगी। क्या कुछ खास आपने मांग रखी है कि डॉक्टरों की टीम कहाँ से बननी चाहिए? क्योंकि आपको क्या लगता है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उस पर भरोसा है या उस टीम पर आपको भरोसा है? नहीं है, क्योंकि जो लोगों ने बताया गोली लगना बताया और गोली लगना उसमें आया नहीं, तो इसलिए है कि दोबारा हो जाए, एक पैनल बन जाए 5 लोगों का और वो पैनल उसकी फिर डॉक्टरी करे दोबारा। अच्छा, निघासन में एक पत्रकार भी थे, उनकी भी मौत हुई है? उसमें जाएंगे अभी, पत्रकार की भी मौत घसीटने से हुई है, उन्हीं गाड़ियों से हुई है, तो उसके घर पर जाएंगे हम पत्रकार के, उसको भी मुआवजा मिले, ये पूर्ण रूप से हमारी डिमांड है। वो भी किसान के साथ में ही था और पत्रकारी करता था। तो अब ये जो पूरा मामला है, चूंकि अब 3 जो मृतक हैं उनका अंतिम संस्कार हो गया है, एक का बचता है, तो अब इसको आप किस तरीके से, कंक्लूजन क्या होना चाहिए, गिरफ्तारी अब कब तक, उसको लेकर के कोई आंदोलन? अभी 7-8 दिन का टाइम सरकार ने दिया है, इंतजार करेंगे, फिर बातचीत करेंगे, फिर दोबारा अगर कार्रवाई नहीं हुई तब तक, आगे नहीं हुई तो उसका तो फिर सबको पता है कि क्या होता है, कोई तय नहीं किया अभी रूप, अभी तय नहीं करा, अभी तो इस काम में लगे हुए हैं, तो ये पहला था, अभी दूसरा है, तो ये सारी चीजें साथ साथ चलती रहेगी। तो राकेश टिकैत अभी यहीं रहेंगे जब तक? बिल्कुल, हम यहीं रहेंगे जब तक उसकी रिपोर्ट और अंतिम संस्कार उसका नहीं होता, तो हम यहीं हैं अभी, चारों रिपोर्ट आ जाए, चारों का अंतिम संस्कार हो जाए तो उसके बाद जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बाद सियासत, यूपी का सियासी मिजाज आपने देख लिया, राकेश टिकैत क्या बोल रहे हैं वो भी आपने सुन लिया, अब आपको लेकर चलते हैं बिहार। कांग्रेस और आरजेडी के बीच मनमुटाव की बात करेंगे। महागठबंधन के सबसे भरोसेमंद 2 पार्टियां कांग्रेस और आरजेडी उपचुनाव में अब अलग अलग प्रत्याशी उतारेंगी। आरजेडी के बाद अब कांग्रेस ने भी तारापुर और कुशेश्वर सीट पर
प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, यानी कि आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने हैं। आपको बता दें, कन्हैया कुमार को जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया गया है, उससे आरजेडी खुश नहीं है। 30 अक्टूबर को बिहार की इन दोनों ही सीटों पर उपचुनाव है, जहां पर कांग्रेस आरजेडी भी अब एक दूसरे के आमने सामने होंगी। बिहार उपचुनाव में कांग्रेस भी उतारेगी अपने प्रत्याशी, जबकि जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें ये पार्टी साथ में थी आरजेडी के साथ, लेकिन अब तय ये हुआ है कि इन दो सीटों के लिए जहां पर 30 तारीख को उपचुनाव होने हैं, आरजेडी के बाद कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कुशेश्वर सीट और तारापुर सीट, जहां पर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने हैं। समीकरण यहां पर अलग अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते चले, कन्हैया कुमार को लेकर आरजेडी खेमे से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, और आपको याद भी होगा कि कन्हैया को जिस बेगूसराय सीट से उम्मीदवार लेफ्ट की पार्टियों ने बनाया था, उस दौरान भी आरजेडी ने अपने उम्मीदवार वहां पर उतारे थे। चले आगे बढ़ते हुए, अब आपको दिल्ली लेकर आते हैं। गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद पंजाब के सीएम चन्नी मीडिया से मुखातिब जा सकता, और जिस तरीके से हमारे लीडरों को वहां अरेस्ट किया जा रहा है, ये सिस्टम बंद होना चाहिए। तरह से हमारे लीडर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। ये बातें आपने सुनी पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब, चरणजीत सिंह चन्नी गृहमंत्री से मुलाकात के बाद ये तमाम बातें कहते हुए। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन शाहरुख का लाडला बिगड़ गया, जो खबर मुंबई से सामने आई है, यकीनन वो परेशान करने वाली है। पूरी खबर आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए आज तक। शाम के 7:30 बज चुके हैं, शंखनाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। क्या शाहरुख खान और गौरी खान को पता था कि उनके बेटे आर्यन ड्रग का सेवन करते हैं? क्या 4 साल से शाहरुख के बेटे आर्यन ड्रग ले रहे थे? ये सवाल उठे हैं एनसीबी की पूछताछ में। एनसीबी की टीम ने आज आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और ड्रग पैडलर श्रेयस नायर को आमने सामने बिठाकर लंबी चौड़ी पूछताछ की है। पूछताछ में क्या कुछ सामने निकल कर आया है, इस रिपोर्ट में देखिए। ड्रग केस में बुरे फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन, ड्रग कनेक्शन को लेकर एनसीबी की पूछताछ। शाहरुख के बेटे आर्यन पर एनसीबी की सवालों की बौछार, कभी रोते हैं तो कभी गंभीर हो जाते हैं आर्यन। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कार्डिलिया क्रूज की पार्टी बहुत महंगी पड़ रही है। 23 साल के आर्यन शनिवार से ही एनसीबी की कस्टडी में हैं। अब तो आर्यन की कस्टडी 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। आर्यन खान को बलार्ड स्टेट में मौजूद एनसीबी दफ्तर की दूसरी मंजिल पर रखा गया है। सोमवार की रात आर्यन और अरबाज से लंबी पूछताछ हुई थी। आज सुबह से ही एनसीबी ने आर्यन, अरबाज मर्चेंट और श्रेयस नायर से पूछताछ शुरू कर दी। एनसीबी ने आर्यन खान, श्रेयस नायर और अरबाज मर्चेंट को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। आर्यन से एनसीबी ने पूछा, आपको पार्टी में किसने बुलाया, किसके बुलावे पर आप पार्टी में पहुंचे थे? एनसीबी के अफसरों ने आर्यन से ये भी पूछा, पार्टी में क्या आपने ड्रग्स ली थी, आपके पास ड्रग्स कहां से आई थी? एक सवाल के जवाब में आर्यन ने कहा, मेरे पापा शाहरुख खान बहुत व्यस्त रहते हैं, वो एक साथ 3 फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं, कई बार तो उनसे मिलने के लिए मुझे उनकी मैनेजर पूजा से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। आर्यन ने यह भी कहा कि उनकी फिल्म पठान को लेकर शाहरुख खान बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन्हें कई कई घंटे इसके लिए मेकअप करना होता है। अरबाज मर्चेंट के पास से एनसीबी ने ड्रग्स बरामद की थी, उनसे भी एनसीबी के अफसरों ने पूछा, आपके पास ड्रग्स कहां से आई थी? एनसीबी के अफसरों ने बताया कि आर्यन परेशान हैं, लेकिन जांच में सहयोग भी कर रहे हैं। एनसीबी ने आर्यन का कुल 4 पेज का बयान दर्ज किया है। 3 दिन की जब से कस्टडी मिली है, सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान बेहद परेशान है, लेकिन पूछताछ में पूरी तरीके से सहयोग कर रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किसी दफ्तर में लगातार आर्यन खान से पूछताछ हो रही है। पूरी रात पूछताछ की गई थी आर्यन खान से, और कुछ लीड मिली है पुलिस को, कुछ कॉल डिटेल्स मिले हैं, कुछ व्हाट्सएप चैट मिले हैं, जिसके आधार पर लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम छापेमारी कर रही है।
इस बीच आर्यन खान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आर्यन सफेद रंग की टी शर्ट के साथ लाल और काले रंग की शर्ट पहने हुए हैं। इस वीडियो में आर्यन काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही एक फोटो भी वायरल हो रही है, जिसमें एक शख्स आर्यन खान के साथ सेल्फी ले रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह सेल्फी एनसीबी की टीम के एक सदस्य ने ली है। एनसीबी आर्यन और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट से ड्रग लिंक्स को लेकर लगातार सवाल कर रही है। ये सब गलत बात है, कुछ ड्रग्स बरामद नहीं हुई है। वो लोग मेहमान थे, शिप के अंदर बुलाया गया था, ये लोग बाहर ही थे, शिप एंटर भी नहीं किए थे। इनके पास ना बोर्डिंग पास है ना कुछ टिकट है। इनको बुलाया गया था, जो भी बरामद हुआ शिप के भीतर बरामद हुआ है, बाहर कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। और अरबाज जो है आर्यन का दोस्त है, दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी कर सकते हैं। दोस्ती है, बच्चे नादान हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है, इन्होंने कुछ गलत काम नहीं किए। ऐसी खबरें भी आई हैं कि आर्यन खान के ड्रग्स लेने की जानकारी शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान को भी है। सोमवार को एनसीबी की तरफ से पेश हुए एएसजी अनिल सिंह ने अदालत को बताया था कि आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट से ड्रग पेडलर से बातचीत के सबूत मिले हैं। व्हाट्सएप चैट में आपत्तिजनक चीजें मिली हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी का अंदेशा लग रहा है। आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट में ड्रग की खरीद के भुगतान के तरीकों पर चर्चे की बात मिली है। चैट में कई कोड नामों का इस्तेमाल किया गया है। एनसीबी का दावा है कि आर्यन खान 4 साल से ड्रग्स ले रहे हैं। आर्यन ने दुबई और यूके में भी ड्रग्स ली थी। बॉलीवुड के सबसे अमीर परिवारों में से एक में पैदा हुए आर्यन खान अब तक ग्लैमर की चकाचौंध भरी दुनिया में रहने के आदी रहे हैं, लेकिन एनसीबी की हिरासत में आर्यन खान को बिल्कुल आम आदमी की तरह रखा जा रहा है। उन्हें एनसीबी कैंटीन का खाना दिया जा रहा है। घर से उन्होंने कपड़े मंगवाए थे, नियमों के मुताबिक उन्हें घर के कपड़े दे दिए गए हैं। एनसीबी की टीम शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से पिछले 72 घंटे से पूछताछ कर रही है। इस दौरान एनसीबी ने आर्यन खान से 4 पन्ने का एक बयान भी दर्ज करवाया है। इस दौरान अरबाज और आर्यन खान को आमने सामने बैठाकर एनसीबी की टीमें पूछताछ कर रही हैं। आर्यन से ये भी पूछा गया है कि अरबाज कब कब ड्रग्स लेकर आया और वो किन किन पार्टियों में अब तक शामिल रहे हैं जहां पे ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया। जाहिर सी बात है, इस मामले में गिरफ्तारियों का दौर भी जारी है और इन 72 घंटों की पूछताछ से इतना तो साफ हो गया है कि किंग खान के बेटे आर्यन की आने वाले दिनों में मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। कैमरामैन मंगेश आमरे के साथ तंसीम हैदर, मुंबई आज तक। एनसीबी ने तो पूरी तैयारी के साथ 2 अक्टूबर को मुंबई में क्रूज पर छापा मारा था। छापे से पहले एनसीबी के मुखबिर पोर्ट के बाहर खड़े होकर टारगेट की फोटो क्लिक करके उनके पास भेज रहे थे। मुखबिरों ने ही शाहरुख की बेटी आर्यन और अरबाज की फोटो क्लिक करके एनसीबी की टीम को भेजी थी। अब एनसीबी ड्रग के पूरे मायाजाल तक पहुंचना चाहती है और इसी नाते इस मामले में अब तक 14 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुंबई में ड्रग्स का काला कारोबार, क्रूज से एनसीबी ने बरामद किया ड्रग, बिटकॉइन से खरीदी गई ड्रग, क्रूज ड्रग पार्टी में अब तक 11 गिरफ्तार। 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर रेव पार्टी में ड्रग का पूरा मायाजाल फैला हुआ था। एनसीबी के 22 अफसर पहले से ही क्रूज पर मौजूद थे, जिसमें रेड के दौरान शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट समेत 8 लोगों को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। अब एनसीबी के रडार पर रेव पार्टी के ऑर्गेनाइजर भी आ गए हैं। एनसीबी के अधिकारियों को इसलिए भी शक हो रहा है क्योंकि छापेमारी के बावजूद क्रूज समुद्र में चलता रहा। इस मामले में एनसीबी ने 3 और गिरफ्तारियां की हैं। इसमें पहली गिरफ्तारी है श्रेयस नायर की। श्रेयस नायर को एनसीबी में सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। श्रेयस मुंबई में गोरेगांव के रहने वाले हैं। रेव पार्टी में अलग अलग ग्रुप अलग अलग पार्टी कर रहे थे। उनमें से एक ग्रुप के लोगों को ड्रग्स सप्लाई श्रेयस ने ही करवाई थी।
श्रेयस को भी उस पार्टी में जाना था, लेकिन किसी वजह से वो पार्टी में नहीं जा सका था। श्रेयस इस रेव पार्टी के इवेंट मैनेजर्स में से एक है। आज एनसीबी ने एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। इस ड्रग पेडलर ने क्रूज पर 25 लोगों को ड्रग मुहैया करवाई थी। इस ड्रग की पूरी कीमत बिटकॉइन से चुकाई गई थी। इसके पास कमर्शियल क्वांटिटी में 5 लाख रुपए की ड्रग बरामद हुई है। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक तीसरी गिरफ्तारी क्रूज के एक पैसेंजर की हुई है। ये पैसेंजर उड़ीसा का रहने वाला है। इसने नशे में क्रूज पर तोड़फोड़ की थी। ड्रग पेडलर को भी मुंबई से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दावा है कि यही वो ड्रग पेडलर था जिसने क्रूज में जब पार्टी चल रही थी तो 25 लोगों को ड्रग मुहैया कराया था। कुल मिलाकर इस मामले में 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो 11वीं गिरफ्तारी है। मैं आपको बता दूं, कल क्रूज में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने छापा मारा था, कुछ लोगों को हिरासत में लिया था, उसी में से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। जो शख्स है वो पैसेंजर था और उड़ीसा का रहने वाला था। नशा जब काफ़ी ज़्यादा हो गया था तो उसने क्रूज में तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने क्रूज से उसे हिरासत में लिया था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले में एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं और हर गिरफ्तारी बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं। एनसीबी अब इस ड्रग रैकेट की तह में जाने की कोशिश कर रही है। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं तो कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया जा रहा है। पार्टी आयोजित करने वाली कंपनियां भी जांच के घेरे में हैं। एनसीबी ने क्रूज पार्टी के 4 ऑर्गेनाइजर्स को भी हिरासत में लिया है। शाम को इन 4 को गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी कंपनी का नाम नेनेस्क्रे है। इसी कंपनी ने रेव पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। टोटल 8 लोगों की 4 दिन की कस्टडी एनसीबी माननीय न्यायालय ने दी है। सभी सर और कौन से लोगों को लाया गया, जिनसे पूछताछ चल रही है? नहीं, वो जो ऑपरेशनल चीजें हैं वो तो चल ही रही है, हमारी कोशिश जारी है। उसके अलावा भी बाकी के कुछ सस्पेक्ट्स हैं जो शिप में भी है, उन्हें भी वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। इस बीच एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि क्रूज पर बिना इजाजत पार्टी की जा रही थी। सितंबर से ही हाई प्रोफाइल लोगों को इनविटेशन भेजे जा रहे थे। एक आरटीआई के जरिए 8 सितंबर को यह जानकारी मांगी गई कि क्या फैशन टीवी केआर को क्रूज पर 2-3 अक्टूबर को पार्टी की इजाजत दी गई है। 24 सितंबर को इसके जवाब में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने जवाब देते हुए लिखा कि विभाग की तरफ से ऐसी कोई अनुमति नहीं दी गई है। यानी कार्डेलिया क्रूज पर न सिर्फ ड्रग का अवैध कारोबार हो रहा था, न सिर्फ ड्रग पार्टी हो रही थी, बल्कि ये पूरा का पूरा आयोजन ही गैर कानूनी था। अरविंद ओझा के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। एनसीबी ने जिन 8 लोगों को सबसे पहले गिरफ्तार किया था उसमें बहुत दिलचस्प किरदार हैं। आर्यन खान की तो पूरी कहानी आपके सामने आ चुकी है। एनसीबी ने छापे में मुनमुन धमेचा नाम की एक मॉडल को भी गिरफ्तार किया है। मुनमुन भले ही किसी फिल्म, टीवी सीरियल या वेब सीरीज में नजर ना आई हूं, लेकिन हाई प्रोफाइल पार्टियों में वो जरूर मौजूद रहती थी। 2 अक्टूबर को मुंबई में छापा क्रूज पार्टी पर ही नहीं पड़ा था, नशाखोरी की चाहतों पर भी छापा पड़ा था। इस पार्टी में पहुंचने वालों में ज्यादातर तादाद रईसों की थी या फिर रईस ज्यादों की। एनसीबी ने कार्डेलिया क्रूज पर छापा मारकर 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। एनसीबी के मुताबिक आर्यन खान ने ड्रग कंज्यूम की थी। अरबाज मर्चेंट के पास से 6 ग्राम चरस मिली थी, जबकि मुनमुन धमीचा के पास से 5 ग्राम चरस बरामद हुई थी। मोहक जायसवाल ने नुपुर सारिका को MDMA की 4 गोलियां दी थी। इस मामले में गिरफ्तार मुनमुन धमीचा से भी एनसीबी पूछताछ कर रही है। 39 साल की मुनमुन धमीचा पेशे से फैशन मॉडल है और दिल्ली में रहती है। मॉडलिंग से ज्यादा पार्टियों के लिए वो चर्चा में रहती है। बॉलीवुड की कई हस्तियों के साथ वो पार्टियों में अक्सर देखी जाती है। सिंगर गुरु रंधावा, एक्टर अर्जुन रामपाल और सुयश रॉय के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक जिस वक्त मुनमुन धमीचा को पकड़ा गया उस वक्त वो नशे में थी, उनके साथ उनका एक दोस्त भी था। अरबाज मर्चेंट आर्यन के साथ साथ उनकी बहन सुहाना के भी अच्छे दोस्त हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। अलाया एफ के साथ उनके रिश्ते बॉलीवुड में चर्चे में आए थे। तमाम स्टार किड के साथ अरबाज देखे जाते रहे हैं। एज अ वकील हमने कहा बेटा तू पूरी कार्रवाई में साथ दे,
जो जो इन्वेस्टिगेशन करते आप पूरा साथ दो। हम लोग बाहर भागे नहीं, कोई चीज करे नहीं, जब कुछ करे नहीं तो किससे डर। कल किसी को पता नहीं था अरबाज मर्चेंट कौन है, बट मेरे कजिन ने बोला कि भाई लोगों को पता नहीं है, प्रेस को पता नहीं है, आर्यन एवरीबडी नोज, अरबाज को कोई पहचानता नहीं था, इसलिए मेरा आना जरूरी था। बहुत अच्छे दोस्त है, मित्रता है और बचपन से 15 साल से इनकी दोस्ती है। छापे में पकड़ा गया विक्रांत छोकर ड्रग एडिक्टेड बताया जा रहा है। वो अक्सर कहीं भी घूमने निकल जाता है, ज्यादातर वो गोवा में जाकर ड्रग्स लेता है। उसके पास से एनसीबी ने 10 ग्राम कोकीन बरामद की थी। विक्रांत ग्रेटर नोएडा का रहने वाला है, उसके घर पर फिलहाल ताला लगा हुआ है। ग्रेटर नोएडा से भूपेंद्र यादव के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। शंखनाद में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।